माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सबको जय माता दी, क्योंकि माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि मैंने नया घर शिफ्ट किया है और एक ब्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ पहले से ही अपने पुराने घर का। तो यहाँ पे मैं अपने नए घर में आ चुकी हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं दिखाने वाली क्योंकि सब कुछ अभी फैला हुआ है। तो अभी यहाँ फाइनली मैं सबसे पहले सेट करूँगी आके बेड, क्योंकि ये काम मुझी को ही आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग अभी निपटा लेंगे। सैटरडे संडे का दिन है, अभी सैटरडे का दिन है, तो सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें। तो यहाँ पे लाला को काम दे दी हूँ मैं ड्रेसिंग सेट करने का। तो अपने अपने हिसाब से सब कोई काम में लगे हैं। तो मेरा बेटा यहाँ पे ड्रेसिंग सेट कर रहा है और सच में बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेट करता है। मतलब इतना अच्छा से मैं नहीं अरेंज कर पाती हूँ और उसको इतना ज़्यादा बहुत बचपन से कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा था। सारी चूड़ी वगैरह आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लगा दिया और कांच का जितना भी आइटम है वो सारा कुछ अलग अलग कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा आइडिया है। तो यहाँ पर अभी वॉशिंग मशीन एरिया आप देख सकते हैं और सारा कुछ मेरा अभी पूरा जो घर है अभी देख सकते हैं पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे जितने भी हेल्पर हम लोगों ने बुलवाए थे तो सारा कुछ रंड में पूरा सामान ऐसे रखवा लिया था हम लोगों ने किचन में, क्योंकि अभी उन लोगों को जल्दी रहता तो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने सब कुछ रखवा लिया था। और इसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे काम करना है क्योंकि सारा कुछ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अभी फैला। हम लोगों ने बस कुछ अभी यहाँ पे सेट नहीं किया। तो यहाँ पे आ गए हैं एसी वाले भैया, तो हम लोगों ने एसी भी आज ही लगवा लिया है। और इसके बाद बस मैं जाऊँगी किचन में। तो आप देख सकते हैं कि इतना सारा बर्तन है किचन में। बर्तन मेरा ऑलरेडी धुला हुआ था, लेकिन इधर उधर शिफ्टिंग के चक्कर में थोड़ा डस्ट वगैरह हो जाता है। तो अभी मेरे घर में 3 दिन से लगभग खाना कुछ भी नहीं बना। तो यहाँ पे मैंने किचन में पूरा अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दी हूँ और किचन का स्लैब वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से पोछ लिया है। सारा कुछ मैंने क्लीन करके और यहाँ पे दाल चढ़ा दी हूँ। और जब तक मेरा दाल पकेगा, तो दाल पकने के बाद से यहाँ पे सारा बर्तन मैं क्लीन कर दूँगी, क्योंकि बर्तन मेरा ऑलरेडी धुला हुआ है। तो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, बस जस्ट थोड़ा सा डस्ट वगैरह हो जाता है, तो बस उसके लिए मैं क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पर अभी मैं दाल वगैरह बना देती हूँ। और इसके बाद पानी वगैरह मैंने थोड़ा सा भर लिया है जो कुछ भी है, क्योंकि आर ओ नहीं है अभी। तो अभी शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और कोई भी खाना वाना घर में आज लगभग 3 दिन से घर में खाना नहीं बन रहा है। सब लोग बाहर का खा खा के पक चुके हैं। तो सब लोग अब कह रहे हैं कि थोड़ा सा दाल चावल तो बना दो कम से कम। तो अभी बहुत काम फैला है और बस वही मैं अभी बनाने लग गई हूँ। और बहुत सारा अभी इतना बर्तन वगैरह, क्योंकि बर्तन ही मेरा धुला हुआ था, फिर मैं दोबारा धोऊँगी अभी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि उधर मेरे दाल चावल बनते बनते सारा बर्तन सब कुछ मैंने चमका दिया है और बहुत अच्छे से सारा बर्तन मेरा धुल गया है। और अभी इधर मेरा दाल भी फ्राई कर दिया था मैंने। दाल फ्राई करने के बाद बस इसमें मैं चावल चढ़ा दी हूँ, एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ और दाल भी मेरा फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर अभी चलिए मैं दाल फ्राई कर देती हूँ। और बस इसके बाद क्या है कि अभी बहुत कुछ सेट करना है और मैं ये सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं अभी निपटा लूँ। मैंने दाल अपने पीने के लिए निकाली है, क्योंकि दाल पीना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हस्बैंड ने बाहर का पूरा एरिया धुल दिया है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो सीमेंट का बोरी वोरी रखा था, तो डस्ट था, तो पूरा बाहर के एरिया इन्होंने धुल दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझे आज ही निपटाना है। सैटरडे और कल संडे है, तो सारा कुछ सेट करवा लूँगी, क्योंकि अकेले फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सारा कुछ अच्छे से क्लीन होने के बाद एकदम साफ़ हो गया है बाहर के एरिया, ये पार्किंग एरिया है। और इसके बाद अभी आज हमारा शिफ्टिंग का तीसरा दिन है शायद, तो ये सुबह का टाइम है। तो अभी मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ आलू पराठा, क्योंकि आज नए घर में पहला दिन है, तो लगा थोड़ा सा कुछ अच्छा बना लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आलू पराठा बनाने लग गई हूँ। और आलू पराठा लाला आजकल नहीं खाता, पता नहीं कैसे उसको, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे घर में खाने वाली चीज़ है सेजवान राइस, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं ऐसे पूरा बना के रख ली हूँ और आलू पराठा सेक के दे देती हूँ। मैं ऐसे कटिंग करके देती हूँ हमेशा, मुझे कटिंग करने के बाद थोड़ा सा अच्छा भी दिखता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि लाला आजकल आलू पराठा बिल्कुल भी नहीं खाता है, पता नहीं कैसे। तो उसको सबसे ज़्यादा खाने में पसंद है मेरे घर में। आप जो रेगुलर्स मेरे वीडियो देखते हैं तो उनको पता होगा कि सेजवान राइस सबसे ज़्यादा बनती है, तो बस उसको वही खाना है कि सेजवान राइस बना दो, तो सेजवान राइस खाएगा। और सबसे ज़्यादा वो खाता है सेजवान राइस हो गया, और क्या बोलते हैं, अप्पे बहुत ज़्यादा उसको पसंद है, पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ज़्यादातर मैं यही सारी चीज़ें बनाती हूँ। फिर अब ये पराठा बन चुके हैं मेरे और पापा तो खा भी लिए हैं। और यहाँ पर मैं अभी बना देती हूँ लाला के लिए सेजवान राइस, क्योंकि बस उसको यही है कि मेरे लिए सेजवान राइस बना दो, जैसा भी बना दो, बस आप उसमें मसाला डाल दो, तो बहुत प्रेम से खाता है। यहाँ पे सब्जियाँ अभी ज़्यादा नहीं है, बस टमाटर डाला है मैंने, आलू भी नहीं डाला क्योंकि जल्दी था। तो बस अभी उसका ऐसे बना के मैंने रेडी कर दिया। फिर भी वो इतने अच्छे से खाता है, बस मसाले डाल जाएँ तो उसको टेस्ट आ ही जाता है, बस इसका ऐसा रहता है। और ये करते करते किचन के स्लैब में वो करने ड्रिल करने आ गए हैं ऐसा, क्योंकि गैस की पाइप निकालने के लिए। तो भैया ने करके पूरा गंदा कर दिया है, तो फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं अपने लिए बना लेती हूँ, क्या बनाई हूँ, चीला बनाई हूँ, क्योंकि मुझे चीला बहुत ज़्यादा पसंद है और ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर मैं यही खाती हूँ। और शाम को भी जब मुझे कुछ भूख लगता है तो मैं खा लेती हूँ। वैसे जनरली मैं बाहर खाना पसंद करती हूँ, मुझे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब मैं घर में रहती हूँ तो सोचती हूँ कि घर के अंदर जब भी कुछ खाऊँ तो मैं एकदम हेल्दी ही खाऊँ। तो बस वही अभी चीला मैं बना लेती हूँ। और चीला मेरा अभी बस थोड़ा सा, मैं इसको जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो इसको उल्टा पलट दूँगी। तो फाइनली मैं चीले को पलट देती हूँ और एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और चीला जितना पतला बनता होता अच्छा लगता है, तो एक तरफ से पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है और दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आजकल लाला आलू पराठा नहीं खाता, तो उसके लिए मैं प्लेन पराठा बना देती हूँ और कुछ चटनी वगैरह के साथ में खा लेगा, क्योंकि जब भी उसको भूख लगेगी तो खा लेगा वो आलू पराठा की जगह में। और अभी अब शाम का टाइम हो गया है, इसके बाद तो अभी क्या हुआ कि शाम का टाइम हो गया है। और शाम का टाइम हो गया है तो इसके बाद क्या होता है कि हस्बैंड भी आ गए हैं। और सुबह मैं हल्का नहीं देती उनको खाना, थोड़ा सा हैवी ही देती हूँ, क्योंकि दिन भर के लिए जाते हैं। तो इधर एक तरफ से मैं हस्बैंड के लिए चीला बना दी हूँ, जितने भी एक दो खाएंगे। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दिया है। तो सुबह में क्या होता है कि हस्बैंड को मैं हैवी ही ब्रेकफास्ट देती हूँ, क्योंकि वो दिन भर के लिए जाते हैं, टिफ़िन वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाते। तो चीला नहीं दी थी। अभी अब जो शाम को आए हैं तो उनके लिए मैं बना देती हूँ चीला, जितने भी एक दो खाएंगे। और मेरे घर में सब लोग जो कुछ भी मैं बनाती हूँ तो लगभग खा ही लेते हैं, लाला बस थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। और यहाँ पर तो फाइनली जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे सब कुछ लग चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आर ओ लगना बाकी था, क्योंकि हम लोग भैया थोड़ा सा लेट आए हैं। तो यहाँ पे अब मैं आर ओ लगवा लेती हूँ। और फिर से बहुत ज़्यादा मेसी होने वाला है। फाइनली आर ओ लग गया है और फिर से कितना गंदा हो गया है। तो यहाँ पर मैं फाइनल पोछा लगा रही हूँ। इसके बाद सारा घर मेरा क्लीन हो चुका है। तो फाइनली सारा घर मेरा एकदम क्लीन हो गया और बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस हो रहा है। तो बस मैं नहा के आई हूँ और अब यहाँ पे मंदिर सजा देती हूँ भगवान का, क्योंकि माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं और मैंने एक भी दिन अच्छे से पूजा पाठ नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी 3-4 दिन से मैं। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर की आपको चुनरी दिख रही है, मुझे वृंदावन से मिली थी, श्री लाडली जी के मंदिर से। मैं जब वृंदावन गई थी वैसे कभी भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन लकली मुझे 2 चुनरी वहाँ पर मिली थी। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति है जो कि मैं बेडरूम में लगाती हूँ। मैं भी इसको भी वृंदावन से लाई थी। सो हेलो एवरीवन। तो अभी अब शाम का टाइम हो चुका है और फाइनली 3 दिन हो गए हम लोगों को शिफ्टिंग करते हुए। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, सारा घर वगैरह मैंने बहुत अच्छे से जमा लिया है, सब कुछ हो गया। जस्ट मैंने अभी नहाया और मंदिर सजाया और पूजा करके बस छत में आई हूँ, जो कि मैं आई थी गार्डन देखने। और लकली इतना सुंदर गार्डन है मेरा, अगेन इस बार जब मैं आई हूँ अगेन इतना सुंदर गार्डन है और सारा कुछ इतने सुंदर फ्लावर हैं। मैं सब कुछ बैक कमरे से दिखाऊंगी। दिल ही खुश हो गया मेरा, मतलब मैंने जितनी भी मेहनत की थी 3-4 दिन से शिफ्टिंग के चक्कर में, मेरा सारा थकान दूर हो गया। और छत में बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे देख रहे हैं तो समझेंगे कौन सी पागल आ गई है इनके घर में, किरायादार जो अपने आप से बात कर रही है। तो मैं आपको बैक कैमरे से अपना सारा का सारा गार्डन दिखाती हूँ। और इतना सुंदर गार्डन, दिल खुश हो गया मेरा, सच में बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया, इतना सुंदर फूल। ओ माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। हाँ, फूल देख के तो मैं पागल हो जाती हूँ। और इतना सुंदर फूल, बाय गॉड, गुड़हल का ही है ये लगता है। अगेन मुझे यार मेरी सांस फूल गई, बताती हूँ। बहुत खूबसूरत से फूल से, और ऐसा फूल मैं सच में अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी हूँ आज तक। इतना ज़्यादा मुझे फ्लावर पसंद है, बट ऐसा मैंने नहीं देखा है। और इस बार मैं वीडियो के साथ साथ बोलती जा रही हूँ, क्योंकि फिर जब मैं अलग से वॉइस ओवर करती हूँ तो बहुत तेज़ बोलती हूँ, बहुत जल्दी बोलती हूँ स्पीड में। और ये आप गुलाब देखिए कितने खूबसूरत और बहुत खूबसूरत सा, ये देखो कितने वैरायटी के गुलाब हैं। पहले तो मैं सोची थी कि बस साथ में इंक्लूड कर दूंगी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि गार्डन का अलग से वीडियो बनाऊँ। वाह, ये देखिए आप, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे, ये पूरा कॉलोनी है। इसके ऊपर भी अगर ये छत में जाऊँगी तो और अच्छा व्यू दिखेगा, लेकिन पहले मैं गार्डन घुमा देती हूँ। हाँ, मैं कहाँ से शुरू की थी, ये पूरा ये देखिए। और ये कितना खूबसूरत सा, बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं। लकली मैं जहाँ जाती हूँ। और ये वाइट हैबिकस, वाइट गुड़हल का फूल बहुत खूबसूरत है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ लकली मुझे फ्लावर्स मिल जाते हैं। एक्चुअली मैं ऐसा घर ही ढूंढती हूँ जहाँ पे थोड़ा सा गार्डन एरिया होना चाहिए, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी तो सारी ज़िंदगी किराया के घर में गुजरी जा रही है। कितना भी घर बना लूँगी, रहना तो मुझे किराया से ही है। और ये देखो कितना सुंदर है, वाह। हाँ, तो मैं जब किराए से रहती हूँ तो मैं कुछ ऐसा देखती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगे। इसमें शायद पिंक आता है, अभी आया नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा गार्डन है मेरे मकान मालिक का। और यहाँ पे ये ऐसे फ्लोर, जी ये ऐसा काफ़ी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे क्या था, गड़बड़ हो गया है कुछ। और भी बहुत कुछ है, मैं दिखा देती हूँ। ये येलो कलर में भी आता है और वाइट रहता है। ये सबसे सुंदर लगा। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा ये फूल आपने पहले देखा है कि नहीं। मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, 3 खिला है, बहुत खूबसूरत है। दिल खुश हो गया भाई, मेरी तो सारी थकान दूर हो गई। जितना भी मैं शिफ्टिंग में परेशान हुई थी, सारा कुछ, मतलब पत्ती वत्ती नहीं है लेकिन फ्लावर कितना ज़्यादा खिला है। और ये क्या है, ये कुछ नया सा है, पता नहीं। वाह, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लावर अच्छा लगा। और ये तो थोड़ा सा सूख गए हैं, मेरे पुराने वाले घर में भी था, सबसे पुराने वाले घर में। यस, इंग्लिश प्लांट बोलते हैं इसको। ओहो, कपड़ा पकड़ लिया मेरा, फट जाएगा भैया। और हवा चल रही है, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर। और यहाँ पे ना ये फला हुआ है, क्या है, ताड़ का पेड़ है। दिखाती हूँ मैं। सब लोग फंस क्यों रहे हैं यार मेरे में आके, देख सकते हो आप। और ये येलो कलर का होता है। और ये देखो आप, ये क्या है, देखो नारियल है, ताड़ है, नहीं पता। बहुत अच्छा फला है बट। बहुत ज़्यादा सुंदर है, ऑल ओवर अगेन ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया। इसमें वाइट और येलो दोनों। ये बाहर चला गया है यार, ये आ जाओ अंदर भैया। बाहर चला गया है कैसे। और यहाँ सब शिफ्टिंग के चक्कर में इतना बड़ा मेरा नुकसान हो गया है। ये 10-12 साल से मेरी शादी का फ़ोटो था जो कि एकदम पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। जब मैं पुराने घर से आई थी शिफ्ट करके, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था फ्रिज के ऊपर, और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसका पूरा प्रिंट ऐसे ख़राब हो गया है। और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे, इतनी ज़्यादा पुरानी याद थी मेरी। मतलब शादी का फ़ोटो आप समझ सकते हो कितना यादगार चीज़ होता है, कितना यादगार दिन होता है शादी का। लेकिन ऐसे हो गया है मेरे साथ। अभी फिर से पता नहीं बनेगा दोबारा कि नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, अलग से कहीं से फ़ोटो वगैरह निकाल के बनवाना पड़ेगा। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया है। इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही भिजा दी होती। इतना सारा सामान भिजवाया था तो कम से कम ऐसे ख़राब तो नहीं होता। पूरा ख़राब हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लिटरली ऐसे पूरा ख़राब हो गया।